विगल्स वत कभी भी 15 मिनट से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना नहीं रहते थे, चाहे वे कहीं भी जाए या किसी भी संगति में हो। जब जब हमने साथ में भोजन किया, खाने के साथ साथ परमेश्वर के वचन पर विचार विमर्श भी चलता रहता था। जब भोजन के लिए प्रार्थना करते तो वह केवल एक पंक्ति या उससे कुछ ज्यादा होता था, या फिर वे अपनी गहरी आवाज में प्रभु की तारीफ का एक गीत गा देते थे। इसके बाद हम भोजन का पहला भाग खाते थे, इसके पश्चात वे फिर पढ़ते और प्रार्थना करते और हम शेष भोजन पूरा करते। पुनः कुछ ही समय में वे फिर से पढ़ते और प्रार्थना करते। यह थी उनकी जीवन शैली। उनका भोजन मात्र एक रस रहित पुनरावृत्ति नहीं थी। एक बार जब विगल्स वत हमारे घर रहकर गए तो मेरे एक भाई को विगल्स वत का परमेश्वर के वचन से प्रेम देखने का मौका मिला। मेरा भाई उन्हें एक जगह ले जा रहा था जहां उन्हें सेवकाई करनी थी। उनके सफर को अभी लगभग 10 मिनट ही हुए थे और वे वर्तमान घटनाओं पर बातचीत कर रहे थे कि अचानक विगल्स वत चिल्ला उठे, रोको। मेरे भाई ने यह समझ कर कि कुछ गड़बड़ हो गई गाड़ी तुरंत रोक दी, पर विगल्स वत ने अपना सर झुकाया और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, हमने हर विषय पर बातचीत कर ली, पर तेरे और तेरे वचन की बातें और पाप में मरती आत्माओं का विषय छोड़ दिया, प्रभु माफ करें। फिर मेरे भाई की ओर मुड़कर कहा, चलो आगे बढ़ाओ। उसके बाद उस सफर में चर्चा का विषय पूरी तरह बदल गया। किसी व्यक्ति ने एक बार विगल्स वत से कहा कि दिव्य चंगाई पर एक अच्छी किताब का सुझाव दें। उनका जवाब था, हाँ उस विषय पर केवल एक ही पुस्तक है, परमेश्वर का वचन, बाइबल। स्मिथ विगल्स वत ने परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य का रहस्य समझ लिया था। उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर को उनके वचन के आधार पर समझता हूँ, मैं अपने अनुभवों या भावनाओं के आधार पर उसे नहीं समझ सकता, मैं उसे केवल उसके वचन के द्वारा ही समझता हूँ। उन्होंने ऐसा भी कहा, अपनी भावनाओं के आधार पर चलना एक खतरनाक आदत है। हम अपनी भावनाओं के या अपने अनुभव के आधार पर उद्धार नहीं पाते हैं, पर केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर। हमारा उद्धार उस तरह बदलता नहीं रहता जैसे हमारी भावनाएं बदलती रहती है। अधिकतर मसीही अभी तक इस बात को नहीं समझे हैं। वे अपने बदलते अनुभवों और भावनाओं को लेकर चिंतित हैं। बहुत से लोग जो मेरे पास हार की हालात में आते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धार हो जाना चाहिए, पर मुझे कुछ संतुष्ट अनुभव नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा उद्धार हुआ है। विगल्स वत जानते थे कि हमें अपने भावनाओं और अनुभूतियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, पर केवल परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना चाहिए। अनुभूतियां बदलती है और एक मसीही व्यक्ति की अनुभूतियां कुछ समय तक अस्थिर रह सकती है, पर परमेश्वर का वचन हमारे भावनाओं को भी अपने नियंत्रण में ले लेगा। किसी ने ऐसा कहा है, वचन पर विश्वास ही जड़ है, अनुभूतियां केवल फल है। अगर आप जड़ की अच्छी देखभाल करेंगे तो आपको फल के विषय में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस बात को अधिक समय नहीं हुआ है कि इंग्लैंड के एक शहर के टाउन हॉल में एक सभा चल रही थी। हॉल के सामने धार्मिक किताबों की विशाल प्रदर्शन थी। एक बाइबल पाने की इच्छा से मेरे एक दोस्त ने वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछताछ की, मैं एक बाइबल खरीदना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा, पर मुझे कोई बाइबल यहाँ दिख नहीं रहा है। उस जवान व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, ओ हम बाइबल नहीं बेचते हैं, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, अब हमने पवित्र आत्मा को पा लिया है। हमें किसी भी ऐसे अनुभव का कड़ा विरोध करना है, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, जिसका परमेश्वर के वचन में कोई आधार ना हो। विगल्स वत परमेश्वर के वचन के बाहर की किसी भी शिक्षा या अनुभव की खुल्लम खुल्ला आलोचना करते थे। उनके लिए परमेश्वर का वचन ही सर्वोच्च था। विगल्स वत कहा करते थे कि परमेश्वर के वचन की जगह कोई और वस्तु कभी नहीं ले सकता। जो सेवकाई उन्होंने की उसके पीछे कारण यह था कि वे परमेश्वर के वचन में सजीव थे और परमेश्वर का वचन उनमें सजीव था। चूंकि परमेश्वर का वचन उनमें सजीव था, इसलिए वे अपनी सेवकाई में और दूसरों में जीवन फूंक पाते थे। विगल्स वत ने परमेश्वर के जीवन के वचनों को अंधी आंखों में फूका और अंधी आंखें देखने लगी, बहरे कानों में फूका और कान खुल गए, गूंगों के मुंह में फूका और वो बोलने लगे। उन्होंने परमेश्वर के जीवन के वचनों को सूखे हाथों और पैरों में फूका तो उसमें जान आ गई, बीमार शरीरों में तो वे आरोग्य से परिपूर्ण हो गई। उन्होंने दुष्ट आत्मा ग्रसितों के सामने
ने परमेश्वर के जीवन के वचनों को कहा, तब मृत्यु के वाहक दूर भाग निकले। उन्होंने परमेश्वर के जीवन के वचनों को मृत देहों में फूंका तो उनमें पुनरुत्थान के सामर्थ्य का काम करने लगी। परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को समझने के लिए विगल्सवर्त ने हर संभव प्रयास किया। जहां तक उनका सवाल था, अन्य किताबों को पढ़ने में बिताया गया समय गवा दिया गया है, क्योंकि उस समय में यदि परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता तो अधिक प्रयोजन होता। वास्तव में विगल्सवर्त परमेश्वर के वचन के व्यक्ति थे। उन्होंने पाया कि पवित्र आत्मा के कई कामों में एक काम सिखाने का है। मानवीय बुद्धि द्वारा सिखाए जाने के विषय में उनका अपना मत अलग था। कई अवसरों पर उन्होंने कहा, कुछ लोग बाइबल को इब्रानी में पढ़ना चाहते हैं तो कई उसे यूनानी में, पर मैं उसे पवित्र आत्मा में पढ़ना चाहता हूँ। जब पत्रस और यूहन्ना लंगड़े व्यक्ति की चंगाई के परिणाम स्वरूप उन पर लगाए आरोपों के कारण धर्मगुरुओं के समक्ष पेश किए गए, तब बाइबल में लिखा है, उन्होंने यह जान कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेरितों 4:13 स्पष्ट है कि मसीह ने उन पर अपनी छाप छोड़ दी थी। बिल्कुल इसी भांति यह स्पष्ट था कि विगल्सवर्त का शिक्षक कौन रहा होगा। धर्मशास्त्र की मूल भाषाओं इब्रानी और यूनानी का एक भी शब्द जाने बिना वे धर्मशास्त्र में से समझाते वक्त कितनी बार इस तरह के गहरे विचारों को व्यक्त करते थे जो मूल भाषाओं के ज्ञान से आता है। कई लोगों ने अचरज प्रकट किया कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं। अगर उन पर अभिषेक न होता तो उन्हें प्रचार करते हुए सुनने में कोई रुचि ना होती। पर मैंने जितनी बार उनको कुछ कहते सुना है, चाहे वह बड़ी सभा हो या छोटी, या फिर व्यक्तिगत वार्तालाप में ही क्यों ना हो, कभी भी उन्हें अभिषेक बिना बात करते हुए नहीं पाया। चूंकि उन्होंने कोई वेद ज्ञान की किताब नहीं पढ़ी थी, इसलिए उनका मन विभिन्न सिद्धांतों के विवादों से साफ था। उनका मन सदा पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए प्रकाश के लिए खुला रहता था और उनको जो वचन का प्रकाश मिलता वह ताबूत पैदा करता था। रात को सोने से पहले उनका आखिरी काम होता था प्रभु के वचन से अपने मन को भर लेना। नींद के दौरान भी उनका अचेत मन परमेश्वर के वचनों पर ही विचार करता रहता। अक्सर वे नींद में से किसी अनमोल प्रकाश के साथ ही उठते थे। उठने के बाद तुरंत परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते। उनका कहना था कि इससे पहले कि दुनिया की कोई बात मन में दावा बोले, मन में वचन भर लेना चाहिए। एक कहावत है जो परमेश्वर के प्रति उनकी विचारधारा का सही निचोड़ देती है। परमेश्वर ने कहा है और मैं विश्वास करता हूँ, यही पत्थर की लकीर है। एक दृढ़ और करुणामय व्यक्ति। विगल्सवर्त लोगों से बहुत प्रेम करते थे और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील थे। जेम्स सॉल्टर उस समय के अनुभव का विवरण देते हैं जब वे विगल्सवर्त के साथ लंदन के लिए सफर कर रहे थे, जहां विगल्सवर्त को सेवकाई करनी थी। लंदन के किंग क्रॉस स्टेशन से उन्होंने अपना आखिरी बस पकड़ा। उस बस में केवल 2 ही सीट खाली थी, एक सामने और एक पीछे। विगल्सवर्त ने सॉल्टर को पीछे अपने निकट की सीट की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम वहां बैठ जाओ। लंदन में बसों में प्रवेश और निकास द्वार पीछे होता है। विगल्सवर्त स्वयं बैठने के लिए आगे की सीट की ओर गए। वहां उन्होंने अपना नया नियम निकाला और यात्रियों को संबोधित करते हुए खड़े हो गए। साफ आवाज में कहने लगे, यहां ध्यान दे। तुरंत धर्मशास्त्र में से एक भाग पढ़ा, तत्पश्चात परमेश्वर के जीवन का वचन सरल भाषा में समझा दिया। जेम्स सॉल्टर ने मुझे बाद में बताया, उस प्रचार का लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। कई पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे। विगल्सवर्त चलते हुए पीछे की तरफ गए और लोगों पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करने लगे। उनके अलावा और कौन एक आम यातायात वाहन में ऐसा काम करने का धैर्य रख सकता है। अपने परमेश्वर के साथ स्मिथ विगल्सवर्त एक सिंह के समान हिम्मत रखते थे। एक अन्य अवसर पर विगल्सवर्त ब्रेडफोर्ड में लंदन जाने वाली ट्रेन पर चढ़े, एक कोने की सीट पर जा बैठे। कुछ ही समय में 5 और लोग उस केबिन में उनके साथ बैठ गए। जैसे उनकी आदत थी, उन्होंने अपना नया नियम निकाला और पढ़ने लगे और उसके बाद चुपचाप प्रार्थना करने लगे। उन्होंने किसी सहयात्री से कोई बात नहीं की। लंदन से लगभग 30 मील की दूरी पर वे विश्राम कक्ष की ओर गए। जब वे केबिन की तरफ वापस आ रहे थे तो जो व्यक्ति उनके साथ अब तक बैठा हुआ था उनसे कहने लगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ,
पर जब मैं आपके साथ बैठा हुआ था तो मुझ पर एक भयंकर भय छा गया। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं अभी मर जाऊंगा। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? विगत सुवत ने कहा, आओ केबिन में वापस आ जाओ। उनके साथ जितने यात्री बैठे थे सब ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही अनुभव किया। विगत सुवत ने उन्हें पाप से पक्षाताप और उद्धार के विषय में समझाया। उन सब ने वहीं उस कक्ष के फर्श पर घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। इस तरह की सेवकाई विगत सुवत के द्वारा कई बार हुई। उनका जीवन ऐसे अवसरों की खोज में ही लगा रहता था। जिस भी व्यक्ति से मिलते तो उनमें उनको अवसर दिखता था। वे जानते थे कि कब उन्हें लोगों से बात करनी है या फिर कब चुपचाप रहकर पहले पवित्र आत्मा को अपना काम करने देना है। ठोस विश्वास उनमें था ही, पर साथ ही साथ उनमें एक ऐसी अनुकंपा थी जिसे एक व्यक्ति स्पष्ट अनुभव कर सकता था। एक सफल आत्माओं को जीतने वाला बनने के लिए, जो कि विगत सुवत थे ही, दोनों गुणों का होना आवश्यक है। एक अवसर पर जब मैं उनके घर गया तो उनकी बेटी एलिस ने मुझे विगत सुवत के जीवन की एक अद्भुत घटना बताई। जब स्मिथ एक दिन अपना डाक खोल रहे थे तो एक छोटी सी चिट्ठी को पढ़कर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उसमें केवल इतना ही लिखा हुआ था, कृपया आए, हम बहुत परेशानी में हैं। उनके आंसू बहने लगे और विगल सुवत ने वह चिट्ठी एलिस को पकड़ा दी, पर एलिस को कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ पिताजी? उसने कहा, आप तो सैकड़ों मदद मांगती चिट्ठियां पाते हैं, इस चिट्ठी में इतना क्या अलग है? बिना कोई विवरण दिए स्मिथ ने एकाएक मुझे जाना ही होगा और अपनी टोपी और कोट पहनकर उस पत्र में दिए गए पते की ओर चल दिए। वे उस पते पर पहुंच गए। वह एक बड़ा घर था, अंग्रेजों के मापदंड से भी एक महल समान घर, और द्वार पर लगी घंटी बजा दी। जिस सज्जन ने द्वार खोला उनका चेहरा उतरा हुआ था। अपनी शैली में विगल सुवत ने अपना परिचय दिया, मैं विगल सुवत हूँ, मुझे आपकी चिट्ठी मिली। उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया और उनको अंदर आमंत्रित किया। बाद में विगल सुवत ने स्वयं बताया, वह आदमी मेरा हाथ पकड़े हुए बिना कुछ कहे मुझे अंदर ले गया और एक सुंदर कालीन बिछी हुई हॉल में से लेकर सामने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचने पर उसने एक कमरा खोला और मुझे अंदर जाने को इशारा किया और मेरे पीछे एक कमरा बंद कर दिया और वह आदमी स्वयं अंदर नहीं गया। अंदर विगल सुवत ने कुछ ऐसा देखा जो वे कभी भूल नहीं सकते थे। 3 हट्टे कट्टे पुरुष एक सुंदर 17 साल की युवती को, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न था, पकड़कर रखने की कोशिश कर रहे थे, पर वे पुरुष उसे संभाल नहीं पा रहे थे। वह युवती दुष्टात्मा ग्रसित थी। उस लड़की का पिता, चूंकि वह एक धनवान व्यक्ति था, अपनी बेटी को किसी कैद खाने में सलाखों और तालों के पीछे बंद देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसे किसी पागल खाने में भेजने के बजाय अपने घर पर ही रखा था और इन 3 पुरुषों को रखा कि वे उसे संभाले और खुद को हानि पहुंचाने से रोके। जैसे ही विगल सुवत अंदर गए, अचानक उस लड़की को विगल सुवत के उपस्थिति का आभास हुआ और उसने चीखना झटपटाना छोड़ दिया। उनकी ओर घूरती हुई उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तू कौन है। तू है विगल सुवत, परम प्रधान परमेश्वर का सेवक। कितने तारीफ की बात है कि दुष्टात्मा भी परमेश्वर के दासों को पहचान जाती है। विगल सुवत ने आज्ञा दी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चुप हो जाओ। लड़की कमरे के एक कोने की तरफ खिसकती हुई चली गई और विगल सुवत उसकी तरफ आगे बढ़ते गए। लड़की विगल सुवत की तरह देखती हुई डरावनी आंखों को दिखाकर चीखने लगी, ये लड़की हमारी है। विगल सुवत ने कहा, हे घिनौनी आत्माओं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ वाद विवाद करने नहीं आया हूँ। इस लड़की में से बाहर निकलो और इसके बाद कभी भी इसे परेशान ना करो। एक भयंकर चीख के साथ उस लड़की में से 12 दुष्ट आत्माएं बाहर निकली। तुरंत उस लड़की को समझ में आया कि उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है और वह रोती हुई उस कमरे से भाग निकली। वे 3 पुरुष उसके पीछे भागने लगे, पर विगत सुवत ने उन्हें बुलाकर रोका और समझाया कि क्या हुआ था। 10 मिनट के बाद उन्होंने बेडरूम के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी और सीढ़ियों से हल्के पांव के उतरने की आवाज आई। विगत सुवत बाद में नीचे गए और चाय पीने बैठे। उनके साथ थे एक पिता, एक माता और एक अत्यंत प्यारी लड़की, एक लड़की जो 15 मिनट पहले खतरनाक और पागल थी। घर लौटने पर विगत सुवत ने अपनी बेटी से कहा,
एलिस, वह आखिरी दृश्य कितना अच्छा था। यीशु कितना महान है।